गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टू हिंदी पाठ इक्की दुक्की। बच्चों आज हम इक्की दुक्की पाठ से पढ़ेंगे चिंतन के कुछ प्रश्न। प्रश्न है, कहानी में दो बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा, सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या, यहाँ आप एक सूची देख रहे हैं, इसमें तीन कॉलम बने हुए हैं। एक है बालों की संख्या का, दूसरा पूरा नाम, फिर छोटा नाम। यहाँ बालों की संख्या है 1, 2, 100 और 0। आपको इन संख्याओं के हिसाब से नाम रखना है और फिर उसका छोटा भी करना है। जैसे एक, एक केस वाली एक की, दो, दो केस वाली दो की, सौ, सौ केस वाली सौ की, और जीरो का मतलब कुछ नहीं, इसलिए बिना केस वाली गंजी। इस तरह आपको सोचकर इसमें नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा तुम्हारे वाक्य, प्रश्न 8। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में मोटा शब्द छपा है, उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, मोटा अक्षर यहाँ है सन्नाटा, देख रहे हैं आप, यहाँ डार्क करके लिखा हुआ है सन्नाटा को। सन्नाटा से हमें वाक्य बनाना है, आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। दूसरा है, बाबा को सोचने की फुर्सत कहाँ है, काम में जो उलझे रहते हैं। कमल को परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी भी काम से फुर्सत नहीं मिलती या नहीं रहती। तीसरा है, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली, कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागी। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई, गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। यहाँ आपने देखा सभी जो भी शब्द थे यहाँ डार्क लिखे हुए, उनसे हमने दूसरे वाक्यों की संरचना की और दूसरे वाक्य बनाए। इसी तरह बच्चों सोचकर आप अपने मन से भी इन वाक्यों को बना सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और समझकर याद करेंगे।